पुंछ जिले के बॉर्डर एरिया मेंडर में मशहूर हनुमान मंदिर का 40वां स्थापना दिवस मनाया गया। इसे लेकर मंदिर में पिछले 5 दिनों से कई प्रोग्राम मनाए जा रहे थे, जिसका समापन हो गया है। यज्ञ हवन, कीर्तन और रामायण जी का पाठ के साथ ही 150 किलो के लड्डू का भोग भी लगाया गया। 2 साल पहले यहां पर शनिदेव और भोलेनाथ के मंदिर की भी प्राण प्रतिष्ठा की गई थी। इसे लेकर पूजा अर्चना की गई। इन सभी प्रोग्राम में बतौर मेहमान अतिथि 1008 महामंडलेश्वर स्वामी विश्वामंत नंद सरस्वती जी महाराज रहे। बड़ी तादाद में अकीदतमंद इस प्रोग्राम में शामिल हुए। जय सियाराम, जय हनुमान, जय बाबे भोलानाथ की, जय शनिदेव महाराज की। मैं बलराम शर्मा, समाज सेवक मेंडर। आज जो हमारा यज्ञ था 6 जुलाई को, ये हमारी हनुमान जी की जो मूर्ति है वो पिछले कई सालों से हमने स्थापन की हुई है, तो उसके उपलक्ष्य पर ये जो है हम 6 जुलाई को यज्ञ करते थे। और उसके बाद जो हमारे शनि महाराज की मूर्ति थी वो भी 6 जुलाई को हमने स्थापना की थी। उसके बाद भोलेनाथ बाबा भोलेनाथ की मूर्ति जो थी वो भी हमने 6 जुलाई को स्थापना की थी। तो उस उपलक्ष्य के ऊपर जो हमारा 6 जुलाई का जो यज्ञ है बड़े धूमधाम से यहाँ पे होता है। यहाँ पुंछ से लोग, सुरनकोट से, रजौरी से और मेडर से तो कोई आदमी ऐसा नहीं है जो घर पे रहता है। मनकोट से लेकर हरनी तक हर आदमी आते हैं। एक साल ये स्थापना हुए हो गया शिवलिंग और शनि मंदिर की, और हनुमान जी की भी स्थापना आज के दिन हुई थी। तो ये 3 दिन से जो है मेंडर में इस मंदिर हनुमान मंदिर में जो है ये कार्यक्रम चल रहा था, कीर्तन वगैरह चल रहा था। और आज इस कार्यक्रम का जो है वो समापन का दिन है, और आज जो है यज्ञ का आयोजन किया गया और भंडारा भी जो है उसका वो भी आयोजित किया गया है। तो बड़ा ही अच्छा ये कार्यक्रम रहा, लोगों को एक साथ बैठने का मिलने का मौका मिला। और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी हमारा सभी लोगों के साथ, सभी राम भक्तों के साथ कोऑपरेशन रहा। हमारी तरफ से जो हो सका बिजली पानी का वो हमने, लॉ एंड ऑर्डर का वो हमने अरेंज करने की कोशिश की।